आप जानते हैं बचपन में एक कोल्ड ड्रिंक का एड हुआ करता था, एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन हुआ करता था और उसका पंचलाइन था, आओ कुछ तूफानी करते हैं। मोदी सरकार का भी यही पंचलाइन है, काम करें ना करें आओ कुछ तूफानी करते हैं, तैयारी हो ना हो आओ कुछ तूफानी करते हैं, नियत हो ना हो आओ कुछ तूफानी करते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज पूरे गाजे बाजे के साथ महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया गया। नहीं 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 नहीं, उसका नाम महिला आरक्षण बिल नहीं है, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जैसे कि बिल की शख्सियत बदल जाएगी उसका नाम बदल लेने से। मगर आप जानते हैं इस बिल में क्या पेच है, वो पेच जो कि साल 2010 में जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, जो वो राज्यसभा में पारित करवा पाई थी, ये पेच उस वक्त नहीं थे, मगर अब ये पेच मोदी सरकार ले आई है अपने बिल में। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। ये आपके सामने बिल दोस्तों, और इस बिल में दो पेच हैं। पहला पेच कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है या महिला आरक्षण बिल, सरल शब्दों में कहा जाए तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो अधिनियम है, ये जो कानून लाया जाएगा सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, और दूसरा उसके बाद जो डीलिमिटेशन प्रक्रिया होगी उसके बाद। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहली बात आप जानते हैं कि इस सरकार ने सेंसस यानी जनगणना को रोका हुआ है। क्यों? बहाना कोरोना का था, मगर मुद्दा वो नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, अखिलेश यादव चाहते थे जातीय जनगणना हो, और मोदी सरकार ये नहीं चाहती थी, इसीलिए जनगणना को ही रोका हुआ था। इतने दिनों से जनगणना को इन्होंने रोका हुआ था, अब यह जनगणना कम से कम अगले 8-9 महीने में तो हो नहीं सकती है, ठीक है, उसमें वक्त लगेगा, उसमें वक्त लगेगा। अब उसके बाद होगी डीलिमिटेशन प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इस वक्त आप जानते हैं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, डीलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद हो सकता है 543 के बाद लोकसभा की सीटें हो जाए 800। यानी कि इस वक्त महिला आरक्षण बिल में जो प्रावधान है 543 में कम से कम 180 सीटें जो हैं वो महिलाओं को समर्पित की जाएंगी, और अगर ये 543 से बढ़ के 800 हो जाती है तो उसका एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के पास जाएगा, यानी कि महिलाओं को कम से कम 275 सीटों में आपको भेजना ही पड़ेगा लोकसभा में, और उसी तरह से विधानसभाओं की बात करें वहां पर भी आपको एक तिहाई भेजनी पड़ेगी। तो अभी दो चुनौतियां हैं, नंबर एक जनगणना, नंबर दो उसके बाद की डीलिमिटेशन प्रक्रिया, यह कहता है इनका अधिनियम, यह कहता है इनका जो यह फरमान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जुमला नहीं है तो और क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत गाजे बाजे के साथ नारी अस्मिता की बात करते हुए आज सेंट्रल हॉल में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर क्या प्रधानमंत्री या देश का गोदी मीडिया बताएगा कि जिस मुद्दे को लेकर आप महिमा मंडन कर रहे हैं बीजेपी का, उसमें इतना बड़ा पेच है कि यह वजूद में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ सेंसस और डीलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद, यानी कि महिला आरक्षण वजूद में नहीं आने वाला है 2024 के लोकसभा चुनावों में, अभी वक्त लगेगा, पहले सेंसस में वक्त लगेगा और उसके बाद डीलिमिटेशन प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रियाओं के बाद ये वजूद में आएगा। मगर शिगुफा छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ इस सरकार के लिए इवेंट मैनेजमेंट है, सब कुछ वोट बटोरने का एक उत्सव। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ब्रास टैक्स हैं, जो असली मुद्दा है, उससे क्यों बच रही है बीजेपी? मैं आपको बता दूं दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे पर करारा हमला बोल रही है। आज जब लोकसभा में सोनिया गांधी सामने आई और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सोनिया जी, कैबिनेट ने पारित कर दिया है महिला आरक्षण बिल, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा ही है। सुनिए सोनिया क्या कह रही हैं। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपने
मैडम आपकी आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो महिला आरक्षण बिल है उसका वजूद आया था 1996 में जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, मगर फिर यह मामला टलता गया। वाजपेयी सरकार ने भी कोशिश की, उसके बाद 2004 में आपको याद होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महिला आरक्षण बिल का जिक्र था। फिर लगातार कोशिश मनमोहन सिंह सरकार करती रही, 2008 में राज्यसभा में पारित हो गया, मगर फिर कांग्रेस उसे लोकसभा में नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि उन्हीं के गठबंधन में शामिल लालू उसका विरोध कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव विरोध कर रहे थे। तो ये तमाम विरोध जो है हिंदी हार्टलैंड के इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की तरफ से आ रहा था, जिसकी वजह से यह बिल उस वक्त वजूद में नहीं आ पाया। मगर आज भी जब यह बिल लाया गया है तो एक जुमले की तरह, एक मजाक के तौर पर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जयराम रमेश और राघव चड्ढा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश, इट इज अ सीजन ऑफ इलेक्शन जुमलास, दिस वन इज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, अ ह्यूज बिट्रेयल ऑफ द होप्स ऑफ क्रोर्स ऑफ इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स। यहां पर क्या कह रहे हैं जयराम रमेश की? ये चुनावी जुमला है और विश्वासघात किया गया है देश की महिलाओं के साथ। आगे, एज वी पॉइंटेड आउट अर्लियर, मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट येट कंडक्टेड द 2021 डेकेडल सेंसस, मेकिंग इंडिया द ओनली कंट्री इन G20 दैट हैज फेल्ड टू कैरी आउट द सेंसस। कह रहे हैं कि G20 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जनगणना यानी कि कितनी आबादी है इसको लेकर सर्वे नहीं किया। 2021 में सर्वे होने वाला था। आगे जयराम रमेश क्या कहते हैं? नाउ इट सेज दैट द रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर फॉलोइंग द फर्स्ट डेकेडल सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हैज बिकम एन एक्ट। व्हेन विल दिस सेंसस टेक प्लेस? हवाला दिया जा रहा है बिल का कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तब आएगा जब सेंसस होगा, जनगणना होगी। आगे, द बिल ऑल्सो सेज द रिजर्वेशन come into effect only after the publication of the next census and the subsequent delimitation exercise thereafter. Will the census and delimitation be done before 2024 elections? सवाल पूछ रहे हैं जयराम रमेश, क्या 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यह हो पाएगा, यह महिला आरक्षण बिल वजूद में आ पाएगा? बेसिकली द बिल गेट्स द हेडलाइंस टुडे विद वेरी वेग प्रॉमिस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन स्टेट, देयर इज नथिंग बट ईवीएम इवेंट मैनेजमेंट। यहां पर यही बात कह रहे हैं जयराम रमेश कि यह सरकार सिर्फ एक चीज करना चाहती है, वो है इवेंट मैनेजमेंट। मुद्दों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर निलबटा सन्नाटा है, तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। और प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्या बड़ी बड़ी बातें की वो भी मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद, महिला आरक्षण लाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5 ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, द रिजर्वेशन विल किक इन आफ्टर अ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज एंड अ फ्रेश सेंसस पोस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहां पर क्लॉज 5 का हवाला राघव चड्ढा दे रहे हैं कि जब यह वजूद में आएगा यानी कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी, तभी जाकर महिला आरक्षण बिल जो है वो वजूद में आने वाला है। यानी कि एक और जुमला कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये बिल जब पास होगा उसके बाद जो पहली जनगणना होगी
उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगी और उस डिलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। टाइम पीरियड के अर्थ में इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सिंपल सा गणित करें तो जनगणना होने में कम से कम एक साल का समय लगता है, उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी जैसे छोटे चुनाव की डिलिमिटेशन करने में 6 महीने का समय लग गया इलेक्शन कमीशन को, तो जब पूरे देश की डिलिमिटेशन होनी होगी तो 1 साल 2 साल का समय आराम से किसी भी डिलिमिटेशन कमीशन को लग सकता है। बताने को प्रधानमंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं और आज बहुत ही भावात्मक अंदाज में उन्होंने संसद के सामने रूबरू होके वो तमाम बातें कही जिसके कोई मायने नहीं है। कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बतलाने वाला है कि ये कितना बेमानी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज बहुत आवश्यक है नीति निर्धारण में हमारी माताएं बहनें नारी शक्ति अधिनियम योगदान दें और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्रवाई के अवसर पर देश ने इस नए बदलाव का आह्वान किया। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ इस महत्वपूर्ण निर्णय से हम करने जा रहे हैं। आगे मोदी जी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर। वुमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होगा। मगर प्रधानमंत्री इस देश की जनता को यह नहीं बताएंगे कि उसी अधिनियम में 2 बड़े-बड़े पेज हैं और उस पेज के बगैर ये जो अधिनियम है, ये जो महिला आरक्षण बिल है जिसे ये लोग नारी शक्ति वंदन कह रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है। अडवाणी जी ने कहा था ना कि मोदी जी एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, अडवाणी जी के शब्द हैं। तो बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस क्लॉज को बीच में डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब कांग्रेस या यूपीए सरकार राज्यसभा में उसने बिल को पारित किया था तब ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। अब यह क्लॉज क्यों आ गया है? क्या मुद्दे को लटकाने के लिए कि तारीख पे तारीख जो है बात आगे बढ़ते जाए और कुछ ना हो? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनसे बातें चाहे जितनी भी करा ली जाएं, मगर जब उसे लागू करने की बात होती है, जब फैक्ट्स की बात आती है, बुनियादी मुद्दों की बात आती है, तब सब कुछ उड़नछू। गौर कीजिए, मुद्दे पर आइए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।